जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज डुमरी प्रखंड के ग्राम पंचायत कल्हावार में एक दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है। आप स्क्रीन पर देखें वीडियो डुमरी, अन्वेषा ओना हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है। आप पिछले कुछ दिनों से प्रत्येक दिन जो शिविर हो रहा है उसमें आप की उपस्थिति हो रही है, कार्यक्रम संक्षेप में आपको किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? हम लोग का शेड्यूल निकलता है, उसी हिसाब से हम लोग इसको कंडक्ट कराते हैं। इस योजना के पीछे का जो सोच है वो ये है कि बहुत सारे काम के लिए जो प्रखंड के लोग चक्कर काटते हैं, तो क्यों ना प्रखंड का सारा ही जितना भी विभाग है हम सभी आकर के पंचायतों में उनके पास आ जाए, मतलब जो रिवर्स चीजें हैं वो चीजें। शिविर में आम जनता के लिए जो उपलब्ध सरकार की योजनाएं वो कौन कौन सी हैं मुख्य रूप से? देखिए अभी तो मुख्य रूप से अबू आवास का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग के पास आ रहा है, अमूमन 800-900 एप्लीकेशन अबू आवास का आ रहा है। उसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है जो कि अभी नई योजना है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। हाई स्कूल्स में हम लोग जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, जो 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण जो बच्चे हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसमें 4 लाख तक के लोन में सरकार ही आपकी गारंटर बनती है, और आपको जो लोन है आगे हायर स्टडीज के लिए जो लोन आप लेते हैं वो डायरेक्ट आपके खाते में पैसा जाएगा, और आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं बहुत सारे बच्चे, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें उनको वो राशि उपलब्ध हो जाती है जिससे कि आगे की उनकी पढ़ाई आसान हो। शिविर में प्रत्येक दिन एक अनुमानित अगर आंकड़ा आपको दिया जाए कि विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के लिए पंचायत वासियों के कुल कितने आवेदन प्रत्येक दिन जो है वो प्राप्त हो रहे हैं? 1200 के आसपास। अभी अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो यहाँ पर जो पंचायत के कुछ लोग, थोड़ा सा कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनको दिखाएं आप। अभी यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने शिकायत की, थोड़ा सा आप पास आ जाए, इनमें से कुछ लोगों ने शिकायत की है कि पिछले वर्ष का जो आयोजन था उसमें जो आवेदन लोगों के दिए गए थे, लोगों के अनुसार शिकायत है उनकी कि वो आवेदन जो है वो अब तक उनका समाधान नहीं हो पाया, निपटारा नहीं हो पाया, उन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, असंतुष्टि है, तो उन लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे क्यों इस तरह का जो हुआ है, क्या कारण? इसके बारे में रिपोर्ट लेना पड़ेगा कि पिछले साल किस किस स्कीम के लिए कौन कौन सा आवेदन हुआ था, और लोगों से एक बार मैं बात कर लेती हूँ कि उनका कौन सा चीज नहीं होता है ना, कि फॉर्म तो बहुत सारे लोग भर रहे हैं लेकिन ये नहीं होता है उसकी अहर्ता भी वो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल अबू आवास योजना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों में एक ही परिवार के लिए 4 अलग अलग फॉर्म्स मुझे मिल रहा है, ऐसी भी जानकारी मुझे फील से आती है। तो अहर्ता आपकी एक ही है, एक परिवार के तो आपको एक ही फॉर्म भरना चाहिए, उस हिसाब से आपका 3 फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, उस हिसाब से सोच के आपको फॉर्म ये अहर्ता में जो गड़बड़ियां होती है, कमियां जो रह जाती है, क्या आप जैसे जो वरीय पदाधिकारी है प्रखंड में उन लोगों ने स्थानीय जो जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज एक दिवसीय शिविर का आयोजन डुमरी प्रखंड के 2 ग्राम पंचायतों में कल्हावार और चैनपुर में आयोजित हो रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देखें, अंचलाधिकारी डुमरी शशि भूषण वर्मा हमारे साथ यहाँ पर हैं, ग्राम पंचायत चैनपुर में ये उपस्थित हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीर देखें तो तैयारियां जो यहाँ पर है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। प्रखंड और अंचल के विभिन्न जो पदाधिकारी और कर्मी हैं वो सब के सब यहाँ पर लगभग उपस्थित हैं, और काफी संख्या में जो स्थानीय पंचायत वासी हैं, ग्रामीण हैं, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके हाथों में आवेदन है जिन योजनाओं का वो लाभ लेना चाहते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं अंचल अधिकारी महोदय से और लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया आज के इस शिविर पर, और मुख्य रूप से ये जो कार्यक्रम है सरकार का इस कार्यक्रम पर भी आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम पर संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। आज चैनपुर पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम संचालित है जिसमें प्रखंड अंचल कार्यालय के सभी कर्मी एवं पदाधिकारी अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, और जिसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का यहाँ पे आवेदन और उनकी जानकारी दी जा रही है, जिसके तहत मनरेगा से संबंधित सभी योजनाएं
राजस्व से संबंधित सभी कार्य, इसके तहत बहुत सारा वितरण संबंधी योजनाएं, जैसे सोना सुवर्ण धोती साड़ी वितरण योजना, कंबल वितरण योजना, आंगनवाड़ी बालक एवं बालिकाओं को स्वेटर वितरण योजना, उसके अलावा एक विशेष योजना अबुआ आवास योजना, जो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आवास विहीन लोगों को सभी को आवास दिया जाएगा। उसके अलावा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जो एक नई योजना है जिसमें 10th और 12th के बच्चों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें उच्चतर शिक्षा में उनको उससे सहयोग मिलेगा। चलिए, ये तो बात हो गई शिविर में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की। बात अगर अंचल से संबंधित योजनाओं की जाए, तो यहाँ पर अंचल से संबंधित कौन कौन से योजनाएं जो है वो आम जनता के लिए, और क्या उनकी जो उनके जो आवेदन है उन आवेदनों का निष्पादन जो है वो ऑन द स्पॉट भी कुछ कार्यस्थल पर भी हो रहा है क्या? बिल्कुल। अंचल से संबंधित कार्य, सबसे पहले तो प्रमाण पत्र है, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, जिसका डिस्पोजल किया जा रहा है। उसके अलावा भूमि से संबंधित सुधार, जैसे प्लॉट सुधार, प्लॉट एंट्री, ये सब काम भी किए जा रहे हैं। लगान खोलने का कार्य भी किया जा रहा है, और पट्टा से संबंधित, वन पट्टा से संबंधित कार्य भी किए जा रहे हैं। यहाँ जो शिविर में लोग आते हैं अमूमन विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से, उन लोगों के अधिक से अधिक आवेदन जो है वो स्वीकृत हो और लोगों को आवेदन ये जो आयोजन है उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए आप जैसे जो वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति होती है कितनी कारगर सिद्ध हो रही है? बिल्कुल, चूंकि वरीय पदाधिकारी अगर शिविर में नहीं रहे तो जो हमारे कर्मी हैं थोड़ा उसमें लापरवाही बरतते हैं, हम लोग रहते हैं और उसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और किसी चीज़ की दिक्कत हो तो उसको भी हम लोग पूर्ति करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उनको विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। एक अनुमानित आंकड़ा आपसे चाहेंगे कि अंचल से संबंधित जो है वो प्रत्येक दिन कितने मामले आप लोगों के पास एक दिवसीय शिविर में आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी तक जितने भी पंचायतों में कार्यक्रम हो चुकी है वहाँ पे लगभग 50 से 60 का संख्या में प्रत्येक दिन आवेदन आ रहे हैं। चलिए, आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे अंचलाधिकारी डुमरी शशि भूषण वर्मा, जानकारी दे रहे थे इस एक दिवसीय शिविर के विषय में। आज कल्हावार पंचायत में इनकी उपस्थिति है और इनके चैनपुर पंचायत में इनकी उपस्थिति है, और इनके दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ जो प्रखंड और अंचल के पदाधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर हैं, सबके सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत जल्द लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं, उनके आवेदन स्वीकृत होंगे और सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उन्हें जल्द से जल्द मिलेगा। सबका प्रयास फिलहाल यही है।